कैसे हो गया तो मैं मर जाऊंगी उसके अंदर। तुम एक काम करो, चले आओ, नहीं करना है, चले आओ। नहीं चले आओ, अरे छोड़ो तुम, चले आ जाओ। चौबीस घंटे, अरे हो गया, क्या तुम आ जाओ। बहुत कितने मच्छर रहे, नहीं रह नहीं पाओगे। चलिए मच्छर, तुम तो मॉस्किटो नेट को सेट कर दोगे ना मेरे। कंफर्म है ना? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफरीन और आज मैं लेके आई हूं एक अमेजिंग सा, मतलब एक अमेजिंग वाला चैलेंजिंग का वीडियो। हाँ, तो आप में से बहुत सारे लोग कहते हो कि मुझे चैलेंज वाला वीडियोस भी बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बनाएंगे। बट मैं इस बार थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने वाली हूँ। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल से। सो यस गाइस, आज मैं रहने वाली हूँ 24 आवर्स बेड के नीचे, और ये चैलेंज जो है बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि बेड के नीचे रहना 24 आवर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। सो यस गाइस, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। सो गाइस, अभी टाइम हुआ है सुबह के 10 बजे और अभी से मैं शुरू करने वाली हूँ मेरा काम। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल का जो मॉडर्न बेड है उसके नीचे इंसान तो दूर की बात एक चूहा भी नहीं घुस सकता, और ये जो रूम है और ये जो बेड है ये मेरी पुरानी रूम है और पुरानी बेड है, और उसके नीचे जब से मैं ना ये वाला जो रूम है ना, इसको मैंने छोड़ा है जब से, तब से इस रूम का मैंने एकदम एक कचरे का डिब्बा बना दिया। मतलब इसके बेड के नीचे इतना सारा कचरा है कि पूरा जो इंडिया है उसका सारा कचरा यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, और अभी ये सब मुझे ही साफ करना पड़ रहा है। ये सच में बहुत ही दुखजनक बात है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरी सांस फूल रही है। मतलब पता नहीं 24 आवर्स मैं यहाँ पे कैसे रहूँगी, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। शायद मैं यहाँ पे दम घुट के मर ना जाऊँ। ओके, और भी बहुत कुछ काम है तो मैं धीरे धीरे वो कर लेती हूँ, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सोने वाली हूँ। सुबह से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, काम किए जा रही हूँ तब से। मैंने नहा लिया था और अभी थोड़ा सा काम है तो वो मैं ख़त्म करके मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरी सांस फूल रही है एकदम, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं यूट्यूबर क्या क्या करवाएगी हमें। अभी मेरी ज़रूरत के सामान मैंने सब कुछ ले लिया है और अभी एकदम सब कुछ मैं सेट हो गई हूँ पूरा, और इसी के अंदर अभी मेरा दुनिया स्टार्ट होने वाली है। बैठ गई हूँ मैं, मतलब लेट गई हूँ मैं, और आज का 24 आवर्स बहुत ही भयानक कटने वाला है, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है इसके अंदर। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा मतलब एडजस्ट होने में। एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर मेरी मम्मी ने मुझे ये ब्रेड दे के गया। हाँ, 10:54 और अभी 11 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, वो भी ये ब्रेड। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हे गाइस, एंड गाइस अभी टाइम हुआ है 1:30 बजे एंड अभी है लंच टाइम। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे करके मैं ये वो कर रही थी, मतलब मैं ये जो जगह है ना इसको अच्छे से मैं अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी, कि ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से सेट हो पाऊँ। क्या ही बताऊँ मैं, अभी आप लोगों को कुछ बोलने को भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यहाँ पे, और ज़्यादा टाइम मैं ऐसे नहीं रह पा रही हूँ। मतलब ऐसे हो तो भी ठीक ठाक है, बट ऐसे आप लोगों के साथ मैं जब बात कर रही हूँ तभी मैं ऐसे हो रही हूँ। अदरवाइज तो मैं ऐसे
सो रही थी। मैं लंच में खाने वाली हूँ ओरियो बिस्किट। या इसको खाने से आपको एनर्जी मिलेंगे शायद। तो मैं फटाक से ओरियो बिस्किट अभी खाने वाली हूँ। एंड इसको ये टूट गया, सॉरी बाय द वे। क्या फ़र्क पड़ता है, पेट में जाके तो वैसे ये टूटने ही वाला है, आई मीन दांत में। तो ये वाइट वाला पार्ट आपको ऐसे खाना है। मैं ऐसे ही खाती हूँ। यार इतना दर्द हो रहा है ना मेरा पूरा बॉडी में, क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं लंच पढ़ लेती हूँ, ठीक है? ये तो मेरा लंच आज का। वैसे भी ऐसे आप चावल नहीं खा सकते हो यार। आप अगर राइस खाना है तो आपको आओ देखा साइड इफेक्ट। तो अगर चावल खाना है तो आप ऐसे तो नहीं खा सकते हो ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ऐसे खाना। तो इस सिचुएशन में ऐसे इतनी सी जगह पे लेट के आप खाली ये सारे ड्राई चीज़ें ही खा सकते हो, राइस वगैरह ये सब नहीं खा सकते हो। तो जाहिर सी बात है मैं भी ये सब नहीं खाऊंगी और मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब है। सो अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट की लेने की ज़रूरत है। इवन मैं ऐसे भी नहीं शूट कर पा रही हूँ, मतलब अगर मुझे ऐसे बात करना हो आप लोगों से तो फ़ोन मेरा मुंह पे ऐसे आएगा, इतना बुरा लगेगा ना। तो मुझे ऐसे ही शूट करना पड़ रहा है। सो गाइस अभी मैं थोड़ा सा काम करने वाली हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, थोड़ा सा एडिटिंग का काम है, अभी मैं वो करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा मूवी देखूँगी। सो आप लोगों से मैं मिलती हूँ शाम को। सो गाइस अभी टाइम हुआ है 6:20, दिखाओ यार 6:29। एंड गाइस अभी है टी टाइम और मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे लिए जल्दी जल्दी कुछ स्नैक्स वगैरह लाने के लिए, क्योंकि मैंने तो लंच नहीं किया आप लोगों को पता है इसीलिए। एंड गाइस पता नहीं कब चाय मुझे मिलेंगी या फिर कोई भी खाने का चीज़ कुछ भी मिले वही अच्छा होगा मेरे लिए। वैसे बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ और पता नहीं अभी कितना टाइम मुझे ऐसे रहना पड़ेगा। तो ठीक है अभी चाय आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। वैसे पूरा दिन यहाँ पे रेस्ट ही ले रही हूँ, करने को तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी कफिन के अंदर मैं बंद हूँ सच में, मतलब पूरा मेरा दम घुट रहा था। बट अभी मैं थोड़ा बहुत नॉर्मल हूँ तो चाय पे मिलती हूँ। एंड गाइस आ गई है ये चाय, चाय आ गई है मेरी एंड इसके साथ साथ ये बिस्किट भी। अब जाहिर सी बात है चाय के साथ तो बिस्किट ही आएंगे ना। तो अभी मैं इसको पीने वाली हूँ और ये पीना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, गिर ना जाए मेरे ऊपर। मतलब ऐसे ना ज़्यादा टाइम ऐसे बैठ भी नहीं, मतलब ऐसे रह भी नहीं पा रही हूँ, मतलब पूरा लेट के ऐसे सो के मतलब लेटना पड़ रहा है मुझको। ऐसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि ना मैं पूरा ऊपर जा पा रही हूँ ना ही ऐसे, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे रहना पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादा टाइम। तो मैं इसको फटाक से पी लेती हूँ, पीने के बाद मैं थोड़ा सा काम करूँगी तो मैं आप लोगों से तब मिलती हूँ। एंड मैं अभी रिजू को फ़ोन करने वाली हूँ क्योंकि उसका भी आने का टाइम हो गया है, तो मैं उसको कहूँगी कि यहाँ पे आने के लिए, मतलब मुझसे मिलने के लिए। नॉर्मली मैं बाहर जाती हूँ जब भी वो आता है, ज़्यादातर टाइम हम लोग जाते हैं, जाके घूमते हैं, फिरते हैं, कुछ खाते हैं, फिर वापस मैं आ जाती हूँ अपने घर, ये चला जाता है अपने घर। बट अभी अभी तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती, तो मैं उसे यहाँ आने के लिए बोलती हूँ। हेलो बेबी, की कोर्ट छो? नहीं ऑफिस से फिट छी। तो मैं ना रिकॉर्ड कर रही हूँ आज वो, मैं एक चैलेंजिंग का वीडियो बना रही हूँ इसीलिए तुमको भी हिंदी में बात करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बोलो। तो मैं भी, तुम ना यहाँ पे आओ मुझसे मिलके जाओ ना, क्योंकि आज तो मैं 24 आवर्स ऐसे घर के अंदर ही चैलेंज कर रही हूँ, तो मैं तो बाहर नहीं जा सकती, तो तुम आ सकते हो मिस नहीं सॉरी मुझसे मिलने के लिए? ठीक है फिर मैं 30 मिनट्स वेट करती हूँ तुम्हारे लिए, एंड तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। ओके बाय बेबी। तो उससे मेरी बात हो गई है और 30 मिनट्स में वो यहाँ पे आ रहा है और मैं ना प्लान कर रही हूँ कि उसको भी मैं यहाँ पे रख दूँ मेरे साथ और पता नहीं वो, उसे थोड़ा बहुत मैंने बताया था बट कुछ ज़्यादा सीरियस उसने मुझे नहीं दिया, तो अभी देखती हूँ उसका रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे।
क्या कर रही है इधर? सॉरी मैं चैलेंज कर रही हूँ, कहा था ना, देखो कैमरा भी ऑन है मेरा, लाइट्स भी ऑफ हो रहा है बार बार। अरे तो ऐसा सेटअप करके तुम बैठी हो? हाँ, तुम खाना है अंदर? नहीं हमको नहीं आना, लंच हो गया तुम्हारा? लंच तो कब का हो गया, अभी लंच के बारे में क्या है? तो चलो निकल आओ, कितने टाइम तक रहोगी इधर? 24 hours। 24 hours रात को सो पाओगी इधर? चलो बाहर थे कि जो खेदे आसी অনেক কোন মরে গেছে আসো। না না আরে কেউ দেখতে পাবে না, চলো তো ঘুরে আসি তারপর দেখো। নেই মানে মানে এসা নি কর সকতি না কি 24 আওয়ার্স ই রহনা হ্যায়। আর তুমি যে বল রহে হো না ইয়ে ক্যামেরা অন হ্যায় সব কুছ রেকর্ড হো রাহা হ্যায় ঠিক হ্যায় তো লোগো কো পতা চলেগা না তুমি চিটিং করনে কে লিয়ে বল রহে হো মুঝে। আচ্ছা ঠিক হ্যায় তো এক কাম করনে তুমি ভি আ যাও না বেবি মুভি দেখতে হ্যায় আ যাও। ইদার ইদার হ্যাঁ কেসে আউঙ্গা মে? नहीं तुम नहीं घुस, अरे मैं घुस नहीं पाऊंगा तो छोटा जगह। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मूवी वूवी देखने वाली हूँ, मेरे पास काफी अच्छे अच्छे मूवीज हैं। ऐसे करते करते मेरा टाइम अभी कटने वाला है, और तो कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ बात बात कर लूंगी। तुम ना यहाँ पे लेट जाओ बेबी ठीक है? तो हम दोनों यहाँ से बात कर पाएंगे एंड फिर अच्छा रहेगा, और आके पॉपकॉर्न खाओ मेरे साथ। तुम यहाँ पे लेट जाओ, मैं भी लेट जाती हूँ, तो यहाँ पे ना ऐसे मूवी देखते हैं। चलो हम दोनों, तुम यहाँ पे देखो लाइट्स बार बार ऑफ हो रही है, देखा तुमने? भूत आने वाला है। अरे देखो सारी लाइट्स ऑफ हो रही है, तो मैं ये अगर ठीक ना होगा तो रात को मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे? वीडियो भी देखो। डोंट वरी बेबी, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। गाइस अभी टाइम हुआ है, कहाँ है टाइम यार, हाँ 10:11, 10 मिनट्स हुए हैं। एंड गाइस अभी है डिनर टाइम, और डिनर में मैंने रिजू को कहा था कि मेरे लिए थोड़ा सा चाउमीन वगैरह, आई मीन चाइनीज़ फूड, या चाउमीन ही बोलते हैं हम इसको, या जो भी हो, तो मैंने उसको लाने को बोला था, तो वो लेके आ गया। कहाँ गया यार? तुम्हारा काम चल जाएगा रात को? हाँ तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं भी डिनर करने वाली हूँ, चाउमीन चाउमीन चाउमीन। तो मतलब सोफा आ गई, देखो नहीं तो चैलेंज तोड़ दो। पूरा दिन तो हो गया, अभी 10 ही बजे है और बस 12 घंटे है। सुबह 10 बजे 12 घंटे ही होते हैं ना, तो सुबह 10 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, 10 बजे को मैं ख़त्म करूँगी, तो पूरा दिन मैंने इतना स्ट्रगल किया, पता है साफ़ सफाई में भी कितना टाइम गया मेरा, तो अभी थोड़ी टाइम के लिए तो चैलेंज मैं बिल्कुल भी नहीं ख़त्म कर पाऊँगी, मतलब पूरा चैलेंज ख़त्म करके ही मैं वापस आऊँगी। और लाइट्स बार बार ऑफ क्यों हो रहा है यार, रात को ऐसे हो गया तो मैं मर जाऊँगी इसके अंदर। तुम एक काम करो, चले आओ, चलो नहीं करना है, चले आओ। नहीं 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 चले आओ, अरे छोड़ो तुम, चले आ जाओ। अरे हो गया, तुम आ जाओ आ जाओ, बहुत कितने मच्छर रह नहीं पाओगे। चलिए मच्छर तुम तो मॉस्किटो नेट को सेट कर दोगे ना मेरे? कंफर्म है ना? हाँ। रह पाओगी ना? क्या यार तुम, मैं इतना मेहनत कर, देखो बार बार जा रहे, रात को अगर डर वर लगेगा तो? नहीं हमें डर, तुम्हें डर नहीं लगता, मुझे तुमको पता है मैं तुम्हारे तरह डरपोक नहीं हूँ। ठीक है मैं लाइट सेट करके चला जा रहा हूँ। हाँ और वैसे भी थोड़ी देर बाद तो मैं सो जाना है ना मुझे, मैंने पी के मैं टॉयलेट जाऊंगी, फिर आके मैं सो जाऊंगी चुपचाप, और जब आंख बंद करूंगी तब तो सब कुछ वैसे ही, नीचे हो ऊपर हो क्या फर्क। ठीक है चलो मैं चलता हूँ फिर। तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खा लेती हूँ ना। ठीक चलो। सो गाइस ये आ गया मॉस्किटो नेट, इसको अभी मैं सेट करने वाली हूँ, एंड गाइस सेट करने के बाद कैसा रहेगा मेरा ये छोटा सा घोंसला वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी सेट करने में सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रही हूँ और इसको सेट करती हूँ। सो गाइस अभी सब कुछ सेट है एकदम, एंड मैं अभी सोने वाली हूँ, और वैसे अंदर यहाँ पे काफ़ी गर्मी है इसीलिए मैं भी ब्लैंकेट वगैरह नहीं ले रही हूँ, और इसको मैं पूरा दिन, ओह माय गॉड लाइट्स ऑफ हो गई है। सो गाइस लाइट्स ऑफ हो गई है ऑटोमेटिकली। सो गाइस मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ, बैटरी लो है और ये वाला भी लाइट्स ऑफ हो गया है, एंड गाइस बाहर का लाइट्स भी मैं ऑफ करने वाली हूँ थोड़ी देर में, मम्मी को बोलूँगी। सो गाइस मैं आपसे सुबह मिलती हूँ, बाय, गुड नाइट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, टाइम हुआ है 9, कितना देखा था मैंने, 1 मिनट, 9:40। रात को नींद अच्छे से नहीं आई बिल्कुल भी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे सोने में, क्योंकि इतना कम जगह पे मैं अच्छे से नहीं सो पाई। एंड गाइस थोड़ी देर बाद ही मेरा ये जो चैलेंज है वो ख़त्म होने वाला है, आई मीन और ज़्यादा टाइम नहीं है, और ये जो लाइट्स अच्छा नहीं लग रहा एकदम,
गाइस, तो मैंने अपना जो चैलेंज है वो खत्म कर लिया है एंड अभी मैं बिल्कुल आजाद हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड गाइस आई लव यू। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैंने इसके लिए। एंड गाइस, मैं पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।